तो दोस्तों लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपके आगे आने वाला कल आपका शुक्रिया अदा करे। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है January 9, 2019 और डे है वेनसडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन अपडेट है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है। प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ गांधी सर्किट, जो कि आता है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। इसके अंदर हम लोग एक रूरल सर्किट डेवलप कर रहे हैं जो कि कनेक्ट कर रहा है भितियाड़वा को चंद्रैया और तारकौलिया से। आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है जो कि सैंक्शन किया गया है बिहार के अंदर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कमेमोरेटिंग द सेनेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट इवेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के किस नेशनल मूवमेंट की सेंटरी को कमेमोरेट करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर गांधी सर्किट को डेवलप करने का फैसला लिया है, जो कि भितियाड़वा, चंद्रही और तारकौलिया को यहां पे कनेक्ट कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए चंपारण सत्याग्रह, बी चित्तागोंग आर्मनी रेड, सी खेड़ा सत्याग्रह या डी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूँ। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं द हिंदू के, उनको रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो उसका रजिस्ट्रेशन आज 12 बजे से चालू हो जाएगा और 1:30 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, और जो क्लास है वो आज शाम 8 बजे है। तो प्लीज़ अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। तो पेज नंबर 1 पे आपको 2 खबरें मिलती हैं, दोनों ही न्यूज यहां पे लिंक करती हैं लोकसभा से। लोकसभा ने कल 2 इंपॉर्टेंट बिल को पास किया। पहला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 और दूसरा है 10% कोटा प्रोवाइड करने वाला बिल, जो कि यहां पे कोटा प्रोवाइड कर रहा है टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल। तो लोकसभा ने सबसे पहले तो पास किया सिटीजनशिप बिल, जिसके खिलाफ यहां पे कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था, जो कि यहाँ पे 6 रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज को, जो कि बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, जो कि 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ गए थे, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप देने का एक प्रावधान रख रही है। यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस करते समय बोला था कि इन लोगों के पास इंडिया के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये लोग जा सकते हैं, और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एंड दे आर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी हुआ है उनके साथ। आगे इसी के साथ नीचे एक और क्यू खबर है, 10% कोटा फॉर द पुअर गेट्स लोकसभा अप्रूवल। तो लोकसभा ने फाइनली पास कर दिया उस बिल को, जो कि 10% कोटा प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अंदर फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो बेसिकली इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019। इस बिल को यहां पे इंट्रोड्यूस किया मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ओके, यहां पे मैं आपको बता दूं एक और यहां पे एक आर्टिकल आया है, जो कि आपको पेज नंबर 10 पे देखने को मिलता है, जो कि बैकग्राउंड वाला एक आर्टिकल होता है। उसके अंदर एक बड़े बड़े सवाल आपसे पूछे गए हैं कि जो 10% वाला जो कोटा मिलने वाला है वो अभी लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस, दोनों चैलेंजेस यहां पे डील करने वाला है। कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे पहला जो सवाल है वो है व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। यहां पे इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी है, मैंने आपको बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और ये यहां पे डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को अमेंड करने के लिए जो कि स्टेट से भी यहां पे रिलेट करती हैं। तो इसको यहां पे अमेंड करने के लिए हमें आर्टिकल 368 के अंदर जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसका इस्तेमाल करना होगा, और लोकसभा ने भी उसी का इस्तेमाल किया, मतलब 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ने पास किया। इसके साथ साथ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी इस बिल के साथ थे। अब इस बिल को लोकसभा ने तो पास कर दिया है, बट अब यह बिल जाएगा राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा को भी यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास करना पड़ेगा। अब अगर मान लो ये बिल पास नहीं होता है दोनों ही हाउसेस में विद इन द टर्म ऑफ लोकसभा, इस लोकसभा के टर्म के अंदर, तो क्या होगा, बिल लैप्स कर जाएगा। ये न्यूज़ मैंने आपको कल ही बताई थी कि चाहते तो यहां पे लोकसभा की जगह राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट अब ये जो किस्सा फंस गया है कि यहां पे बिल लैप्स भी हो सकता है। ओके, तो यहां पे जो बिल है उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट में अमेंड कर रहा है इनका इन्फ्लुएंस पूरे देश पे होगा। वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड टू एड इकोनॉमिक बैकवर्ड
अवेयरनेस एज ए ग्राउंड ऑफ अ रिजर्वेशन। इसके बाद यहाँ पे जुडिशियल स्क्रूटनी आएगी, क्योंकि इंदिरा स्वानी केस जो हम लोगों ने कल डिस्कशन में लिया था, जिसने कैप कर दिया था कि 50% से ऊपर यहाँ पे कोटा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल कोटा नहीं देते हैं, हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोटा देते हैं। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है। इसके साथ साथ इंदिरा स्वानी केस में ये भी बोला गया था कि कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जो 50% कोटा है उसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट आर द फ्यूचर इंप्लीकेशंस, आगे और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, इंप्लीकेशन आ सकती हैं, शुड द बिल स्टैंड द जुडिशियल स्क्रूटनी, क्या ये जो बिल है ये जुडिशियल स्क्रूटनी के खिलाफ खड़ा रहेगा, मेंटेन रहेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है टू लिफ्ट द 50% कैप, उसके बाद भी जो जितनी भी हमारी भारत की स्टेट्स हैं उनको भी जो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है वो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो अपर कास्ट है इट विल स्टैंड टू लूज इन स्टेट सर्विसेज। इसमें क्या मतलब है, इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो स्टेट्स को भी रिजर्वेशन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है और यहाँ पे जुडिशियल स्क्रूटनी से भी वो पर्टिकुलर बिल डील कर गया है, और यहाँ पे जो अपर कास्ट है वो स्टेट सर्विसेज के अंदर अपना होल्ड कहीं ना कहीं लूज कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट के लोग ही भर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिजेक्ट करती है इस पर्टिकुलर आइडिया को जो कि 50% कैप को ब्रीच कर रहा है, तो सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न ये होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर किस पर्टिकुलर जगह पे काट के कोटा प्रोवाइड किया जाए, कि जो एससी एसटी ओबीसीज का जो कोटा है 50% वाला उसमें से क्या काट कर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन दोनों ही हमारे सामने आती हैं। आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि हाउ विल इट हेल्प द इकोनॉमिकली लेस प्रोस्पेरस अपर कास्ट हिंदूज एंड सच ग्रुप्स इन अदर कम्युनिटीज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था हिंदूज के अलावा बुद्धिस्ट में, जैन्स में, मुस्लिम्स में, कहीं भी अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा 10% कोटा के अंदर। अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो EWS वाली जो कैटेगरी है उसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। अगर आप उन्हें उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो जैसे SCs, STs और OBC को ट्रीट किया जाता है कोटा वाले सेक्शन के अंदर, तो बहुत सारे यहां पे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहां पे EWS वाली कैटेगरी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पे 10% वाली सीट्स के लिए अप्लाई होगा तो वहां पे जो कट ऑफ्स हैं वो भी हमें उसी हिसाब से बढ़ती हुई नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि SCs और STs की जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े से कम होते हैं, पर OBC की जो यहां पे कट ऑफ जाती है वो ऊपर जाती है काफी हद तक। आप देखोगे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है उसके काफी आसपास रहती है, उसका भी बड़ा कारण यही है OBC के अंदर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पे जो 40% ओपन सीट्स हैं, दे शुड बी ओपन सीट्स बेस्ड ऑन मेरिट, देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज हियर टू, तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो CBI वर्सेस CBI वाली जो फाइट चल रही थी उसके ऊपर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन सुनाया है। यहाँ पर आलोक वर्मा जी जो कि यहाँ पे CBI के डायरेक्टर हैं, जिनको 2 महीने पहले उनकी पावर कम करके छुट्टी पे भेज दिया था सरकार ने, उनको वापस से उनके पद पे एस्टैब्लिश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ जो ऑर्डर है वो क्लैरिफाई करता है उस ग्रे एरिया के बारे में जो कि ना कि सरकार क्लियर कर पाई थी और ना ही यहाँ पे CBI की पावर्स क्लियर कर पाई थी। यहाँ पे जो ग्रे एरिया है उसको क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि CBI का जो चीफ है उसके टेन्योर को मेंटेन करना चाहिए, जो उन्हें 2 साल जो टर्म दिया गया है उनको हमें मेंटेन करना चाहिए, उनकी पावर्स को कम नहीं करना चाहिए। पर यहां पे अगर हम आलोक वर्मा जी के नजरिए से देखें तो उनके लिए मिक्स्ड बैग वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो यहां पे एक कमेटी है जिसके हेड यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जो डिसीजन सुनाएंगी उनकी पावर को लेकर, कि पावर किस तरीके से डाइवेस्ट किए जाएंगे, पावर कितनी होती है, किस तरीके से उनका इस्तेमाल हो सकता है, तो उन पर्टिकुलर चीजों पर जब तक वो कमेटी फैसला नहीं सुनाती है जब तक उनकी जो पावर है वो अंडर कंट्रोल ही रहेंगी और वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन नहीं सुना सकते हैं। न्यूज आपकी स्क्रीन पर। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट्स आलोक वर्मा एज CBI डायरेक्टर बट क्लिप्स हिज विंग्स, तो उनके पंख थोड़े से पकड़ के रखे हैं बट उनको उनकी जगह पर फिर से एस्टैब्लिश कर दिया है, और पर वो कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते जब तक जो हाई पावर कमेटी है जिसके अंदर कौन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन
गोगोई जी हैं, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में यहाँ पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उनको लिया गया है, और यहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि डाइवेस्टमेंट ऑफ पावर ऑफ सीबीआई चीफ किस तरीके से होती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रोल उनका रहने वाला है वो अब सीबीआई डायरेक्टर का ही रहने वाला है, बट अभी उनकी जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी कम की गई हैं। तो ये जो कंप्लेंट हैं इनके खिलाफ, आलोक वर्मा जी के खिलाफ, वो सीबीआई के अफसर आर के अस्थाना जी ने की थी, और जो आर के अस्थाना है उनके खिलाफ भी बराबरी केस के यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो सामने आई थी, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे केस चल रहा है। फिर इन्होंने कुछ यहाँ पे एलिगेशन लगाया आलोक वर्मा जी के खिलाफ, और इस वजह से जो पूरी की पूरी जो सीबीआई है वो यहाँ पे हम लोगों को दूषित होती हुई नजर आई। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन लूंगा कि सीबीआई के बारे में पॉलिटी में क्या क्या चीजें लिखी हैं। ये हम लोगों ने 7 जनवरी को भी डिस्कशन में लिया था अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का जो ओरिजिन है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 1941 के अंदर किया गया था, और जो सीबीआई है वो अपनी पावर ड्राइव करती है यहाँ पर जो हमारा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 वाला, उसमें थे। तो सीबीआई बेसिकली मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसकी जो आप रिकमेंडेशन कहते हैं हम लोग, वो आई थी संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के द्वारा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रिजोल्यूशन के तहत सीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। तो रिजोल्यूशन के तहत किया था, इस वजह से ना ही ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी है ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ही अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करती है। अब सीबीआई को हेड करते हैं उनके डायरेक्टर, और उनको असिस्ट करते हैं कुछ स्पेशल डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, और पूरी जैसे पुलिस फोर्स की रैंक होती है इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ पे एसपीज होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, कुछ और पुलिस पर्सनल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर रैंकिंग होती है सीबीआई के अंदर। जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के उनका 2 साल का यहाँ पे टेन्योर है, जो कि उनको देता है सीबीसी एक्ट ऑफ 2003। तो एक विनीत नारायण केस भी था उसके अंदर भी इस चीज को रिइटरेट वापस से बताया गया था। साथ ही जो सीबीसी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म कि किस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्टर है सीबीआई के और जो बाकी सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी रैंक एसपी से ऊपर की है उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो कमिटी जो रिकमेंड करती है उसके अंदर यहाँ पे सीबीसी के कमिश्नर्स होते हैं एज अ चेयरपर्सन, विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, और द सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रेवियंस इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी होते हैं। तो यहाँ पे टेन्योर वाला टाइम याद रखना कि 2 साल का यहाँ पे टेन्योर दिया होता है। इसके साथ पेज नंबर 11 पे भी इसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया, वो है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर सीबीआई इंडिपेंडेंस। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सराहना की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं सीबीआई के डायरेक्टर की उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो टेन्योर यहाँ पे गिवन है सीबीआई डायरेक्टर को उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो सीबीआई के अंदर बहुत ज्यादा है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दी सीबीआई डायरेक्टर है दी सेंटर ऑफ पावर इज एन एविडेंटली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी जुरिसडिक्शन है टू इन्वेस्टिगेट एंड टू प्रोसिक्यूट की ऑफेंसेस एंड ऑफेंडर्स हैविंग ग्रेट रैमिफिकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन पब्लिक लाइफ। मैं आपको बता दूं जब सीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था पहली बार उस समय पर जो रीज़न था ब्रिटिश इंडिया के अंदर वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी करप्शन वाली एक्टिविटीज़ हुई थी उनको डील करने के लिए। जब यहाँ पे संथानम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसके बाद भी इसे करप्शन के से रिलेटेड एजेंसी के रूप में ही इस्टेब्लिश किया गया था, पर धीरे धीरे इसकी जो जुरिसडिक्शन है वो एक्सपेंड होती चली गई। अभी जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है टेन्योर ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर और इंटरप्रेट किया है सेक्शन 4B(2) ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, जिसके मीनिंग को यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो ट्रांसफर वाला जो शब्द है उसके अंदर इंक्लूड किया जाए डाइवेस्टमेंट और डिस्पोजेशन ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर, उसी तरीके से जैसे जो चीजें यहां पे मिस्टर वर्मा के साथ हो रही हैं उन्हीं सब चीजों को यहां पे प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है कि वो चीजें आगे और किसी डायरेक्टर के साथ ना हो। साथ ही जो जजमेंट है ये मैंडेट करता है दैट अ हाई पावर कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सीजीआई और जो अपोजिशन लीडर हैं वो सेटअप की गई है अंडर द सेक्शन 4A(1) ऑफ द 1946 एक्ट ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, वो अप्रूव करेगी यहाँ पे मूव को कि किस तरीके से यहाँ पे डाइवेस्ट की जाए, ट्रांसफर किया जाए सीबीआई के डायरेक्टर को उनके टर्न से पहले, उनके टेन्योर से पहले, और यहाँ पे जो टेन्योर है वो होता है 2 साल का, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना।
आगे बढ़ते हैं पेज नंबर टू की तरफ। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन अनेबल रैपिड स्किलिंग। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारी जो यहाँ पे लोग हैं उनको यहाँ पे स्किल नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब भी खो सकते हैं। इस रिपोर्ट को मैंने आपको दिसंबर के अंदर पढ़ाया था, इसी रिपोर्ट से लिंक आज हकोर आर्टिकल आया है अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन में। यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है फ्यूलिंग इंडियाज स्किल रिवोल्यूशन। हमारे देश में स्किल रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड बात हो रही है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को यहाँ पे निकाला है एक्सेंचर ने। आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का एक्सेंचर का। तो यहां पे बोला गया है इंडिया में हैव टू फॉरगो एज मच एज 1.97 ट्रिलियन डॉलर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ प्रॉमिस्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज ओवर द नेक्स्ट डिकेड इफ द कंट्री फेल्स टू ब्रिज द स्किल गैप। देखो हमारे देश में यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फील्ड के अंदर, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर 1.97 ट्रिलियन डॉलर आ सकता है जो कि हमारी जीडीपी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, बट वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे लोगों को स्किल नहीं कर रहे हैं। जब तक हम लोग लेबर फोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे कि इसके अंदर जो लोग हैं वो स्किल्ड हों, वो लोग यहाँ पे चला पाए सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मशीन्स होती हैं, तो वो लोग हमारे देश में पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंट या वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन अनेबल्ड स्किलिंग और रीस्किलिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो वो हमें करने पड़ेंगे, लोगों को सिखाना पड़ेगा, ऐसा इस रिपोर्ट ने रखा है। रिपोर्ट का नाम है फ्यूलिंग इंडियाज स्किल रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे बताया गया है ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं लोगों को हेल्प कर सकती हैं नए स्किल्स प्रोवाइड करने में, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने में, कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे उनको स्किल्स देने में। और रिपोर्ट ने इस चीज़ को भी नोट डाउन किया है कि जो स्किल्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, क्रिएटिविटी, सोशियो इमोशनल, सेंसरी परसेप्शन, उनको भी यहाँ पे सिखाया जा सकता है हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग और लर्निंग की मदद से। तो दोनों चीज़ों का यहाँ पे मिक्सचर करने की बात हो रही है। साथ ही रिपोर्ट इंक्लूड करती है उस फ्रेमवर्क को जो कि कंबाइन कर रहा है इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स ग्राउंडेड इन न्यूरो साइंस रिसर्च टू मेक स्किल डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव। तो जो न्यूरो साइंस रिसर्च के अंदर जो इनोवेटिव मेथड हैं, इफेक्टिव मेथड हैं, उनको भी अप्लाई करने की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अडेप्टिव प्रोग्राम के बारे में, उसको बिल्टअप किया जा सकता है जिससे जो लोग हैं उनको सही तरीके से चीजें सिखाई जा सकें, जो जो चीज़ें उनको सिखानी हैं सिर्फ वही चीज़ें उन्हें सिखाई जा सके और वो लोग भी यहाँ पे ट्रेन हो सकें और बहुत सारा पैसा हमारे देश में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज वाली फील्ड में यहाँ पे लगता हुआ हम लोगों को नजर आए। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, इंडस्ट्रियल बॉडीज को, अकेडमी को, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेट सेक्टर को, कि वो लोगों को स्किल करें, स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, बच्चों को स्कूल्स में स्किल प्रोवाइड करें, कॉलेजेस में प्रोवाइड करें, कि आगे जाके जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा डेवलप्ड हों, सारी की सारी चीज़ें सीख चुके हों। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्ट देखी। इसी के साथ आपके लिए एक और मैं क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। अभी रिसेंटली किसी स्टेट की यहाँ पे सरकार ने प्रपोजल किया है एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम का। ओके, कि स्कूल के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी, उनको यहाँ पे स्पीचेस सुनाई जाएंगी जिससे उनके अंदर इस तरीके की भावना डेवलप हो कि वो नौकरियाँ ढूंढने नहीं जाएं जब वो अपने कॉलेजेस पास कर जाएं, वो बल्कि इस तरीके के इंसान बने कि वो लोग और बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड कर सकें। तो वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। किस स्टेट ने किया है ये एक और आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आपको पेज नंबर 5 पे खबर मिलती है पुलिस टू डिप्लॉय ड्रोन्स टू चेक कॉक फाइट इन आंध्र प्रदेश। तो जो कॉक फाइट होती है वो बेसिकली एक बैंड गेम है, बैंड फाइट है, और आंध्र प्रदेश के अंदर कोई लोग ना करें क्योंकि अक्सर उसे यहाँ पे संक्रांति वाले दिन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रही है, ड्रोन्स की मदद से लुक आफ्टर करने की बात हो रही है। कल ड्रोन से रिलेटेड एक और हम लोगों ने न्यूज़ डिस्कशन ली थी कि गोवा के अंदर किस तरीके से ड्रोन्स के इस्तेमाल से जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम किया गया, वीवीआईपी सिक्योरिटीज का यहां पे ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ आप देखोगे जो इलीगल ड्रोन्स उड़ते हैं उनके ऊपर भी नजर रखी गई, एक दूसरे को यहां पे इंफॉर्मेशन भी दी गई ड्रोन्स द्वारा। तो ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो दिन पे दिन यहां पे बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है टूरिज्म बूस्ट फॉर आंध्र प्रदेश एज कुर्नूल गेट्स ए न्यू एयरपोर्ट। तो कुर्नूल के अंदर एक नया एयरपोर्ट आ गया है जो कि यहाँ पे है हमारा ओरवाकल के अंदर।
ये बेसिकली एक रीजनल एयरपोर्ट है जिसका 2000 मीटर का रनवे है, ओके, एंड इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम द कुर्नूल, पर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुर्नूल ही है। अब यहाँ पे कुर्नूल के अंदर एक और चीज़ प्रॉमिस करी है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने बोला है कि कुर्नूल के अंदर हाई कोर्ट की एक बेंच भी खुली जाएगी, तो मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच यहाँ पे कुर्नूल के अंदर भी खुलने वाली है। साथ ही जो उर्वा क्लॉज जो कुर्नूल टाउन है उनको यहाँ पे मर्ज करने की भी बात हो रही है, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा आ सकें और उस पर्टिकुलर एरिया को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसको एज अ टूरिज्म का भी हब बनाने की बात हो रही है, जिसके वहाँ पे हैं बेलम केव्स हैं, वहाँ पे महानदी वाला एरिया है, सिरासलेम वाला एरिया है, और वाकल रॉक गार्डन है वहाँ पे, तो वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे अमरावती से लोग आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, बेंगलुरु से आते हैं, और यहाँ पे स्मॉल एयरक्राफ्ट लैंडिंग की भी बात की जा रही है कि छोटे छोटे एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करा दिए जिससे टूरिस्ट को भी आसानी हो। तो अब देखो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कितने ज़्यादा इनोवेटिव हैं, बहुत सारे इनोवेटिव वाले काम करते हैं। अभी इनसे रिलेटेड हम लोगों ने पोलावरम प्रोजेक्ट से भी हम लोगों ने बात करी थी कि वहां पे इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पोलावरम प्रोजेक्ट के अंदर बोला कि हम लोग हाइडर पावर प्लांट भी लगाएंगे, और अब यहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम खोलने की भी बात हो रही है क्योंकि टूरिज्म डेवलप हो रहा है, तो यहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम खोलने की बात हो रही है खासकर पैराग्लाइडिंग के लिए, ओके okay, तो उन्होंने बोला है कि 7200 एकर हैड बीन ईयरमार्क्ड फॉर द इंडस्ट्रियल हब, और यहाँ पे 2500 एकर का जो यहाँ पे एरिया है वो फ्यूचर डिमांड के बेसिस पे कैप्ट आउट रखा गया है, थोड़ा सा अलग से रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ, आपको एक और हेडलाइन मिलती है, मिक्स्ड रिस्पांस टू एसटी स्टेटस टू 6 असम ग्रुप्स। तो यहाँ पे असम के 6 ग्रुप्स हैं जिनको एसटी स्टेटस की बात हो रही है और उसकी डिमांड वो लोग कई यहाँ पे सालों से कर रहे थे। वो जो 6 ग्रुप्स हैं उनके नेम्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ये ग्रुप्स किस पर्टिकुलर स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। वो ग्रुप का नाम है जैसे छुथिया यहाँ पे ग्रुप है, मोटोक ग्रुप है, यहाँ पे मोरान ग्रुप है, कोच राजभोक्शी ग्रुप है, टाई अहोम ग्रुप है, और टी ट्राइब्स वाला ग्रुप है, टी आदिवासी जो यहाँ पे ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने जो यहाँ पे अप्रूव कर दिया है कि जो एसटी का जो स्टेटस है वो इन 6 कम्युनिटीज़ को दिया जाएगा जो कि अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस में लिस्ट होती हैं, उसको यहाँ पे इन्होंने इन्वाइट किया है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसमें बात करें कि एक इलेक्शन गिमिक है। अब ये जो शब्द है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी, इलेक्शन गिमिक। इलेक्शन गिमिक का मतलब ये होता है कि इलेक्शन में लोगों को लुभाने की एक टेक्निक है ये। तो 6 जो कम्युनिटीज़ हैं उनके नेम्स की रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे छुथैया, मोटोक, मोरान, कोच राजभोक्शी, ताय अहोम और टी ट्राइब्स या टी आदिवासीज। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, यहाँ पे आपको हेडलाइन मिलती है, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग अगेंस्ट मोनसेंटो। तो मोनसेंटो एक US कंपनी है, एक एग्रीकल्चर जायंट है जो कि खासकर अपनी जो BT कॉटन है उसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है। उसने 2004 के अंदर इंडियन कंपनीज के साथ यहाँ पे सब लाइसेंस एग्रीमेंट साइन आउट किया था और उनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी थी, जो उसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र किया था और 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। फाइनली 2015 के अंदर ये जो एग्रीमेंट है वो सो टर्मिनेट हो गया और उसकी वजह से जो पेटेंट सूट है वो उसका केस उभरता हुआ हम लोगों को नजर आया। मार्च 2017 के अंदर सिंगल जजेस बेंच बैठी, तो एक ही जज बैठे थे यहां पे बेंच में, हाई कोर्ट की यहां पे बेंच थी, और यहां पे उस चीज को साफ किया गया कि जो भी यहां पे एग्रीमेंट था उसको फिर से कारगर लाया जाए, उसको फिर से काम में लाया जाए, क्योंकि उससे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन सबका नुकसान हो रहा था। और यहां पे मोनसेंटो और जो यहां पे सब लाइसेंस वाली कंपनीज थी उनको बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानोगे। यहाँ पे उसके बाद एक बड़ा डिसीजन हम लोगों को देखने को मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी जो हमारी तो यहाँ पे उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने डिसीजन सुनाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो मोनसेंटो है उसने पेटेंट नहीं लिया है फॉर इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड BT कॉटन सीड वैरायटी और अलाउ किया था कि वो क्लेम कर सकती है रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट ऑफ 2001।
अब यहाँ पे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन हमारे सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ दी जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन जी की बेंच थी और नवीन सिन्हा जी की बेंच थी, जिन्होंने जो हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच थी उसको बोला कि आपका कोई बिजनेस नहीं है कि आप मेरिट ऑफ पेटेंट राइट्स के अंदर जाओ। और जो सिंगल जजेस वाला जो यहाँ पे हमारे सामने वर्डिक्ट आया था मार्च 2017 के अंदर, उसको ही यहाँ पे रीस्टोर किया गया है। ओके, और यहाँ पे जो मोनसेंटो है, इट हैज सॉट अ रिस्ट्रेन ऑन दिस इंडियन कंपनीज फ्रॉम सेलिंग यूजिंग सीड्स, हाइब्रिड सीड्स बियरिंग इट्स पेटेंट टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो 2015 के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट था वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया था, उसके बाद जो मोनसेंटो है वो केस लगाती गई कि आप जो मेरी टेक्नोलॉजी वाली सीड्स हैं उन्हें नहीं बेच सकते, आप उनके सेल नहीं कर सकते, आप उनको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते पेटेंटी टेक्नोलॉजी का। तो उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा था और मार्च 2017 के अंदर यहाँ पे इंटरिम रिलीफ मिला था यहाँ पे कंपनीज को भी और फार्मर्स को भी, जब यहाँ पे मोनसेंटो और जो बाकी कंपनीज थी उनके बीच में एक ऑर्डर आया कि अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनके साथ आप लोग एडहेयर करो। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 7 पे ही आपको खबर मिलती है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इस समय कैश क्रंच वाली सिचुएशन से डील कर रही है। और कैश क्रंच वाली सिचुएशन से क्यों डील कर रही है, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है वो उसका बकाया पैसा नहीं चुका पा रही है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो एक इंडियन स्टेट ओन्ड एयरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है और वो उसको यहाँ पे गवर्न करती है, उसको यहाँ पे एडमिनिस्टर करती है मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। साथ ही यहाँ पे जो कैश क्रंच है वो पिछले 80 सालों में पहली बार इतना बड़ा हम लोगों को देखने को मिला है। और अभी जो करंटली जो बिल है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के पास यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपीस का हो गया है और आगे आने वाले यहाँ पे सालों में वो जो पर्टिकुलर बिल है वो में बढ़ता हुआ नजर आएगा और बताया जा रहा है कि 18,600 करोड़ रुपीस का वो बिल हो सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बोल दिया है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पे पैसे नहीं चुकाए जाएंगे तो जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी सी जो सर्विसेज होती हैं उनको बंद कर देगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो रीज़न बताए जा रहे हैं कि किस वजह से इंडियन एयरफोर्स पैसे नहीं चुका पा रही है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बजट कम है और हमें बहुत सारी और स्पेंडिंग करनी है और बाहर से भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश की कंपनी को हम लोग पैसे नहीं चुका पा रहे हैं और इस वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी हमें डूबती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे इन द न्यू ईयर HAL हैज प्रपोज्ड कॉस्ट कटिंग मेजर सच एज रिड्यूसिंग 20% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कट करने की बात हो रही है, यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल ट्रैवलिंग होती है उसको कट करने की बात हो रही है। मतलब इसका असर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर आप देखो जो इंडियन एयरफोर्स है, बताया जा रहा है कि वो अपनी जो पेमेंट है वो 1-3 मंथ्स के बीच में कर देती, पर अब जो पेमेंट है वो धीरे धीरे लेट होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जो नवरत्न कंपनी है वो अब क्या कर रही है, वो कह रही है कि मैं अब मेटेरियल कैसे खरीदूँ, स्पेयर पार्ट्स कैसे खरीदूँ और फिर यहाँ पे हम सर्विस नहीं कर पाएंगे मिलिट्री प्लेन्स का और हेलीकॉप्टर्स का। मैं आपको बता दूं अभी मार्च 2019 तक जो HAL है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यहाँ पे डिलीवर करने हैं जिनका बिल भी 19,000 से 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास का है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से बाकी सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर एक और स्कीम का जिक्र आ रहा है, इस स्कीम का नाम है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इस स्कीम के बारे में पहले पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। तो ये जो स्कीम है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसको लॉन्च 1996-97 में किया गया था। इस स्कीम को अब कंपोनेंट बना दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का और यह वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोन असिस्टेंस देती है स्टेट्स को, जिससे स्टेट्स जो भी इरीगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको सही समय पर पूरा कर सकें। अब यहाँ पे जो आज बड़ा सवाल आया है वो ये है कि जो हमारे CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट रखी है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर ये बोला है कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर 2008 से 2017 के बीच में आप देखोगे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्ट हमें बढ़ती हुई नजर आई। अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्यों बढ़ती हुई नजर आई, अब CAG ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब डिले हो जाते हैं, जब प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आती है।
है। तो यहाँ पे 2008 से 2017 के बीच में आप देखोगे 2001 मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया, जिनमें से सिर्फ 62 प्रोजेक्ट ही यहाँ पे हमें कंप्लीट होते हुए नजर आए। आप खुद इमेजिन करो 2001 मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट जिनमें सिर्फ 62 यहाँ पे कंप्लीट हो पाए हैं। अब ऑफ दी 11,291 माइनर इरीगेशन स्कीम सैंक्शन ओनली 8,014 वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे 10 साल के आसपास में भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, और एज अ रिजल्ट ओनली अबाउट 35% ऑफ इंडिया इरीगेशन पोटेंशियल वॉज यूटिलाइज्ड। जब हम लोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा इरीगेशन की बात कर रहे हैं, और उस समय भी हम लोग सिर्फ हमारे देश की जो इरीगेशन पोटेंशियल है उसका 35% हम लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं। यहाँ पे 118 मेजर प्रोजेक्ट को सर्वे किया था सीएजी ने, जिसमें से बताया कि 105 जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम ओवररन से सफ़र कर रहे हैं, और वो 18 साल से भी ज़्यादा से डिले होते जा रहे हैं। और आप देखोगे इस वजह से उनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो दिन पे दिन यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे यही बोला है इस पर्टिकुलर ऑडिट में, और बोला है कि बहुत सारे लैकुने हैं, और लैकुने किस चीज़ में है, प्लानिंग के अंदर है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है, स्कीम्स के मॉनिटरिंग के अंदर है, जो फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे सामने रखा है सीएजी ने, और जो स्कीम है उसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन में ले ही लिया। आगे आपकी स्क्रीन पे एक और मैप आ रहा है, बेसिकली ये मैप पेज नंबर 9 पे आया है, बात कर रहा है 2018 स्वच्छ रेल सर्वे के बारे में। तो स्वच्छ रेल सर्वे यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें देखा जाता है कि जो स्टेशन हैं उनमें कैसी क्लीननेस के अंदर इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1/4 ऑफ देम सफर्ड अ ड्रॉप इन देयर ओवरऑल स्कोर एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक फीडबैक विच वॉज पुअरर दैन इट वॉज इन 2017। क्योंकि लोगों से यहाँ पे सर्वे में पूछा गया तो 2017 के मुकाबले जो 25% जो यहाँ पे स्टेशन का सर्वे किया गया उनकी जो स्कोरिंग है वो हमें डाउन होती हुई नजर आई, डूबती हुई नजर आई, क्योंकि लोगों ने अच्छा रिव्यू नहीं दिया। बेसिकली मेथडोलॉजी क्या है, तो मेथडोलॉजी है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वे, जो कि रैंक करता है 407 रेलवे स्टेशन को पूरे के पूरे इंडिया में से। यहाँ पे जो हर एक स्टेशन है उसको स्कोरिंग दी जाती है 1000 मार्क्स से, और यहाँ पे इक्वल वेटेज होता है ऑफ 33% ऑफ इवेल्युएशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सिटीजन फीडबैक। तो यहाँ पे फर्स्ट टू फॉर्म द क्लीनिनेस स्कोर, और जो आखिरी वाला होता है वो टुगेदरनेस वाले स्कोर के अंदर आता है। और यहाँ पे जो 498 जो यहाँ पे स्टेशन थे वहाँ पे पैसेंजर फीडबैक स्कोर के अंदर वो हमें गिरते हुए नजर आए 2017 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं। और अगर आप देखोगे ग्राफ, जो ग्राफ मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, पर जो चेंज है क्लीनेस स्कोर के अंदर इन द चेंज इन सिटीजन फीडबैक स्कोर वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता हुआ हमें नहीं नजर आया है। बट मेन चीज ये है कि जो 28 स्टेशन है यहाँ पे वेस्टर्न जोन वाले एरिया के अंदर, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, वहां पे जो क्लीनेस स्कोर है वो बेटर होता हुआ नजर आया, अच्छा होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर जो कस्टमर फीडबैक है वो थोड़ा सा एवरेज रहा है। इन कंट्रास्ट अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न वाले पोर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 8% स्टेशन का पुअर फीडबैक था, और यहाँ पे जो क्लीनेस स्कोर था वो भी ओवरऑल हाई था 906 के आसपास। एक चीज़ आप याद रखोगे कि स्वच्छ रेल सर्वे भी होता है जैसे हमारा स्वच्छ भारत सर्वे होता है। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे लोकसभा ने एक और बिल पास किया है, बिल का नाम है डीएनए टेक्नोलॉजी बिल। बेसिकली ये बिल के अंदर जो चीज़ें होती हैं डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हुई उनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर क्राइम सीन के अंदर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसी को यहाँ पे हमें सस्पेक्ट को देखना है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डीएनए को डीएनए डेटा बैंक के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, और क्राइम सीन से अगर कोई चीज़ हमें मिलती है उससे मैच करके देख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाने की बात हो रही है, साथ ही यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट करने की बात हो रही है यहाँ पे एक सेंट्रल और रीजनल डेटा बैंक की भी। तो यहाँ पे लोकसभा ने पास किया पर्टिकुलर बिल, यहाँ पे साइंटिफिकली इट्स अ डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, जो कि अलाउ करेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको एस्टैब्लिश करने में, चाहे वो क्राइम वाला यहाँ पे कोई सीन हो, यहाँ पे पेरेंटल डिस्प्यूट हो, यहाँ पे मैरिज हो, इमिग्रेशन हो, ट्रांसप्लांटेशन हो ह्यूमन ऑर्गन्स की, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड करते हुए जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको यहाँ पे लोगों को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो बिल है ये प्रोवाइड करता है फॉर दी
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक। तो जो डीएनए डेटा बैंक बनाए जाएंगे रीजनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, जिसकी मदद से जो क्राइम सीन के अंदर कोई चीज़ होती है उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यहाँ पे जो डेटा बैंक होंगे उनके अंदर जो लोगों के डीएनए कलेक्ट किए जाएंगे उनके बेसिस पे एक इंडेक्स बनाया जाएगा, एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी। ओके, और यहाँ पे रिपोजिटरी को भी डिवाइड किया जाएगा, जैसे क्राइम सीन इंडेक्स की यहाँ पे एक बन गई, सस्पेक्ट इंडेक्स बन गया, इंडर ट्रायल इंडेक्स बन गया, ऑफेंडर्स इंडेक्स बन गया, इस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि आप कैसे इसके मिसयूज को प्रोटेक्ट करोगे। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक सरकास्टिक रिप्लाई देते हुए बोला कि यहाँ पे मिसयूज डीएनए सैंपल का, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द बायोलॉजिकल मटेरियल विच इज कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस डीएनए बिल अलोन। यहाँ पर अगर कोई ब्लड सैंपल होता है जो कि नॉर्मल क्लिनिकल लेबोरेटरीज भी यहाँ पे कलेक्ट करती हैं, वो भी यहाँ पे मिसयूज तो कर सकती हैं, बट सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस पर्टिकुलर चीज का मिसयूज ना हो पाए। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एर्ना सॉल्बर्ग की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं रायसेना डायलॉग के अंदर। और यहाँ पे एर्ना सॉल्बर्ग ने एक बहुत ही जरूरी बात हम लोगों के सामने रखी है। एर्ना सॉल्बर्ग ने बोला है कि आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर यहाँ पे लोगों का फेथ उठ चुका है, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो WTO हो, IMF हो, UNESCO हो, यूनाइटेड नेशन हो, उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे उठता जा रहा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो उन सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा कर रखी हैं। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात हुई और बात हो रही थी रायसेना डायलॉग के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए वो ये कि ये रायसेना डायलॉग होता क्यों है, कहाँ होता है और इसका नाम रायसेना ही क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो रायसेना डायलॉग के बारे में चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। तो इट्स अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस जो कि एनुअली न्यू दिल्ली के अंदर होती है। 2016 से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होनी चालू हुई थी और ये इंडिया की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस होती है ऑन द टॉपिक ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। इस पर्टिकुलर डायलॉग को यहाँ पे होस्ट करती है ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक थिंक टैंक है और यहाँ पे उसके साथ कोलैबोरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन होती है और यहाँ पे ग्लोबल पॉलिसी के मेकर्स आते हैं, जैसे हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं। इसके साथ साथ सरकार के साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स को इन्वाइट किया जाता है। तो जैसे सिंगापुर का संग्रीलाज डायलॉग होता है उसी तरीके से इंडिया का रायसेना डायलॉग होता है। इसका नाम रायसेना इसीलिए है क्योंकि रायसेना उस हिल का नाम है, रायसेना हिल आपने सुना होगा, न्यू दिल्ली के अंदर ये पड़ती है जहाँ पे आपको प्रेसिडेंशियल पैलेस, हमारा राष्ट्रपति भवन और आपको यहाँ पे पार्लियामेंट आपको दिख जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर 2019 वाला जो रायसेना डायलॉग होने वाला है उसका थीम क्या है, नीचे लिखा हुआ है ब्लैक में, अ वर्ल्ड रीऑर्डर न्यू जियोमेट्रिक्स फ्लूड पार्टनरशिप एंड अनसर्टेन आउटकम्स। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे थीम है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं कि असलियत में नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने और क्या क्या बातें करी। तो उन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन वाले टाइम पे पीछे छूट गए थे, जिनमें से नॉर्वे के भी कुछ लोग थे और इंडिया के भी बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ है वो कमज़ोर होता जा रहा है, ह्यूमन राइट्स कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो वीकन होता जा रहा है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली उनका फोकस था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि वो WTO को छोड़ देंगे और यहाँ पे चाइना भी बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है जो कि मैरीटाइम डिस्प्यूट से डील करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला कि नॉर्वे और इंडिया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खो देंगे अगर रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉज अंडरमाइन किए गए, उनको फॉलो नहीं किया गया तो इंडिया और नॉर्वे दोनों का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 11 पे यहाँ पे बात हो रही है कि US चाहता है कि US और मेक्सिको के बीच में यहाँ पे एक वॉल बना दी जाए, एक दीवार बना दी जाए और इसके लिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के पार्लियामेंट से डिमांड करे हैं $5.7 बिलियन। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया था। इस ट्वीट में बोला था कि जो पुराने प्रेजिडेंट गए हैं उनके मन में भी यही सोच थी इस तरीके की दीवार बनाने की, बट फाइनली मैं इस पर्टिकुलर काम को पूरा करूँगा। तो यहाँ पे एक मैप आपके सामने आया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर एक रिपोर्ट रखी गई डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा, जिसने बोला कि 2015 के अंदर जो साउथ साइड से जो यहाँ पे लोग हैं उनकी संख्या 170,000 थी
और 2005 के अंदर वो 1.7 मिलियन थी, मतलब उससे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10% लोग ही सिर्फ ट्रांसफर आए यहाँ पे, अगर कंपेयर करें तो 2015 के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है, जिस तरीके से फेंसिंग इंक्रीज़ करी है यूएस ने, जिस तरीके से यहाँ पे यूएस ने सिक्योरिटी बढ़ाई है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेंसिंग को एक्सटेंड करने के लिए जो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट रहने वाली है वो 21.6 बिलियन डॉलर की यहाँ पे रहने वाली है। पर यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो डिसएग्री होती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है अबाउट 40% ऑफ दोज इन द कंट्री इलीगली आर ओवर स्टेयर्स। तो यहाँ पे जो इलीगल आ रहे हैं देश के अंदर और ओवर स्टे रह रहे हैं वो 40% है, मतलब आ जाते हैं अमेरिका के अंदर और वापस अपने अपने देश नहीं जाते। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत की जा रही है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन में। यहाँ पे बात हो रही है कि आरबीआई कह रहा है कि जो पेमेंट रेगुलेटर्स हैं वो कार्ड्स की जगह अब यहाँ पे टोकन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब टोकनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। टोकनाइजेशन ये शब्द क्या होता है? देखो, अभी आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा, आप उसका इस्तेमाल करते हो, उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे टोकन ले आएंगे। टोकन बेसिकली एक कोड होगा। तो आप जब यहाँ पे POS मशीन के अंदर यहाँ पे स्वाइप करते हो, उसकी जगह आप वो एक पर्टिकुलर कोड डाल सकते हो। इसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपके साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उनके भी चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। ये उसी तरीके का होता है जैसे आप QR सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, पर यहाँ पे QR सिस्टम को भी हम लोग यहाँ पे टोकन वाले सिस्टम से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे RBI ने न्यूज़ रखी है कि कस्टमर्स कैन नॉट बी चार्ज्ड फॉर अवेलिंग टोकनाइजेशन सर्विस। जो आप टोकन सर्विस प्रोवाइड करोगे उससे कस्टमर्स से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लोगे। और यहाँ पे अलाउ कर दिया है कार्ड पेमेंट नेटवर्क को कि टोकनाइजेशन सर्विस भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। तो टोकनाइजेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो कार्ड की जो सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं वो देना ज़रूरी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अब आपको एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को यहाँ पे बताओ और आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो RBI ने अलाउ किया है कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स को कि वो यहां पे टोकनाइजेशन सर्विस दे सकते हैं टू एनी टोकन रिक्वेस्टर। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे टोकन की तो आपको वो मिलेगा और इसकी मदद से एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी और एप्लीकेशन की मदद से आपको वो टोकन प्रोवाइड किया जाएगा। पर यहां पे एडिक्वेट सेफगार्ड्स की बात हो रही है कि आप एक सेफगार्डिंग भी प्रोवाइड करो कि यहां पे उस तरीके की फ्रॉड ना हो यहां पे जैसा अभी करेंटली कार्ड सिस्टम में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आपको एक्चुअल कार्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, अब टोकन की मदद से सारे के सारे काम हो जाएंगे। आगे आपके स्क्रीन पे एक और एक न्यूज़ आ रही है, निलकेनी टू हेड RBI पैनल ऑन डिजिटल पेमेंट। तो यहाँ पे जो नंदन निलकेनी जी हैं जो कि इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उनके अंडर एक 5-member कमेटी यहाँ पे बनाई गई है RBI द्वारा, जो कि सजेस्ट करेगी कि यहाँ पे जो हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो कितना डीपन हो जा रहा है और उसके लिए हमें और क्या क्या काम करने चाहिए। तो स्ट्रेटेजी हम लोगों को बताएगी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम लोग कैसे करें और यहाँ पे जो रोड मैप है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाकर लेके जाएं और जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है डिजिटल सिस्टम के अंदर उनको हम लोग कैसे बढ़ाएं, क्योंकि लोग अभी आज भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर। ये जो कमिटी है इट विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन द 90 डेज फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग। ओके, तो एग्जिस्टिंग स्टेटस देखेंगे डिजिटल पेमेंट सिस्टम का, आगे क्या स्ट्रेटेजी है वो बताएंगे, क्या गैप है यहाँ पे सरकार की पॉलिसी के बीच में और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, वो भी यहाँ पे नंदन निलकेनी जी की यहाँ पे कमेटी बताएगी। याद रखना कमेटी बनी है 5-member कमेटी और डिजिटल पेमेंट से रिलेट करते हुए बनाई गई है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ को हम लोगों ने पहले डिस्कशन लिया था कि यहाँ पे गीता गोपीनाथ जी बनने वाली हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट और फाइनली वो बन गई हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट और शी इज द फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई दिस पर्टिकुलर पोस्ट इन IMF। ओके, और यहां पे जो गीता गोपीनाथ जी हैं उन्होंने बोला कि शी बिलीव्स द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन और इस वजह से जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर बड़ा बड़ा चैलेंज खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये सेम वही बात है जो अभी नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने की थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जॉन जवांस्त्रा जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने यहां पे पद संभाला है इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर का IMF के रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ऑफ्टफेल्ड हैं उनकी यहाँ पे रिटायरमेंट हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो फिनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर रिप्लाई करते हुए इस चीज़ को सामने रखा कि GST के अंदर जिन लोगों की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पर यहाँ पे उसी हिसाब से जो लोग टैक्स भरने में फेल हो रहे हैं उनकी संख्या भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक और यहाँ पे न्यूज़ है कि यहाँ पे स्विस बैंक के अंदर जो इंडियंस का जो पैसा जमा है वो भी यहाँ पे घटता हुआ हम लोगों को नज़र आया है। दोनों ही न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
तो पहली न्यूज है जीएसटी रिटर्न्स नॉन फाइलर्स ग्रो फास्टर दैन टैक्स बेस। तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनको टैक्स फाइल करना है और वो फेल हो रहे हैं अपने टैक्स को फाइल करने में, वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। और उनकी जो स्पीड है बढ़ने की, वो उन लोगों के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है जिन लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है जीएसटी के टैक्स बेस के अंदर। आप देखो यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड पे ग्राफ आ रहा है, जो रेड वाला ग्राफ है वो है परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स नॉट फाइलिंग, और वो देखो कितनी स्पीड से यहाँ पे टच कर रहा है ग्रीन वाली लाइन को, जो कि है टैक्स पेयर्स रिक्वायर्ड टू फाइल। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई 2017 से नवंबर 2018 के अंदर यहाँ पे 32% ग्रो होते हुए हमें नजर आए हैं लोग जिनको यहाँ पे टैक्स फाइल करना है। नीचे ब्लैक कलर में जो एक आपके सामने एक और न्यूज आ रही है वो ये है कि लोन्स और डिपॉजिट्स जो हैं नॉन बैंक इंडियंस के यहाँ पे स्विस बैंक के अंदर वो कम हो गए हैं 34.5% से 2017 के अंदर। पार्लियामेंट में इस चीज़ को भी इन्फॉर्म किया गया और यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन हम लोगों को देखने को मिला है कि 2013 और 2017 के बीच में 80.2% जो पैसा है वो हम लोगों को कम होता हुआ नजर आया है स्विस बैंक के अंदर। और ये जो डेटा है कलेक्ट किया है बाय द स्विस नेशनल बैंक और यहां पे जो बिस है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दोनों ने यहां पे मिलके लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियंस का एक डेटा बनाया था, वहां से यहां पे डेटा लिया गया और पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, हम आ गए हैं पेज नंबर 18 पे। यहाँ पे साइंस एंड टेक की खबर आती है, नासा प्रोड डिस्कवर अ न्यू प्लैनेट। तो नासा की जो टेस है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, उसने यहाँ पे एक नई दुनिया को खोज लिया है। आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर भी देख सकते हो ब्लैक कलर में, थोड़ी सी धुंधली है पर आप लोग इसी तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करो। यहाँ पे उसने एक प्लैनेट को खोजा है, इस प्लैनेट का नाम है HD21749b, जो कि ऑर्बिट कर रहा है एक ब्राइट नियर बाय ड्वार्फ स्टार को, जो कि 53 लाइट ईयर्स अवे है इन द कॉन्स्टिलेशन रेटिकुलम। तो रेटिकुलम कॉन्स्टिलेशन के अंदर ये हमें देखने को मिला है। यहाँ पे जो HD21749b है वो 36 डेज के अंदर यहाँ पे अपनी जो जर्नी है वो पूरी करता है, अपनी जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन है उस ड्वार्फ स्टार के अराउंड वो पूरी करता है। इसके अलावा भी यहाँ पे दो और प्लैनेट्स हैं, जैसे पाई मेंसे बी है जो कि एक सुपर अर्थ है, वो 6.3 डे लगाता है ऑर्बिट करने में, और LHS है जो कि 3844b है जो कि एक रॉकी प्लैनेट है, जो कि यहाँ पे 11 आवर्स के अंदर उस पर्टिकुलर स्टार को ड्वार्फ स्टार को यहाँ पे रिवॉल्व कर लेता है, ऑर्बिट कर लेता है। तो यहाँ पे जो तीनों के तीनों प्लैनेट्स हैं, टेस्ट ने अपने शुरू के 3 महीने के अंदर ही उन्हें डिटेक्ट कर लिया है, मतलब टेस्ट बहुत ही कामयाब होता हुआ नजर आया है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, बेसिकली ये एक्सोप्लैनेट्स के लिए ही सर्वे करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बताया गया है ये जो प्लैनेट है ये 3 गुना बड़ा है अर्थ के साइज से, इस वजह से इसको सब नेपच्यून वाली कैटेगरी में भी हम लोगों ने रख दिया है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और कोई भी मन में कमेंट, सवाल, जवाब, क्वेरी कुछ भी हो तो फेसबुक पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट भी छोड़ सकते हो, और अनअकैडमी की ऐप पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और आज मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है, इस चीज़ का मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है, और बाकी सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। आज के न्यूज़पेपर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। Thank you for having me here, guys, and have a good day ahead.